हाय, सो वी हैव कम विद अ स्पेशल रीडिंग। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक भी अपने एक्स का इंतजार कर रहे हैं। आई नो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ समवन दैट यू हैव लव्ड, एंड स्पेशली जब वो जो पार्टी है या जो नेक्स्ट पार्टी है वो आपको एकदम भूल जाए, आपके कॉल्स भी नहीं उठा रहे, मतलब गोस्टिंग, न्यू वर्ड गोस्टिंग हमारे लिए भी, तो समझ नहीं आता है क्या करूँ, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस फेज। कोई कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ रोते हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ कि अगर आपके एक्स अभी, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है 2-3 महीने के लिए पहले, तो हम देखते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये कार्ड्स हैं। मैं पाइल ए और पाइल बी सिलेक्ट करूँगी, आप देख लीजिएगा आपको कौन सी पाइल चाहिए और फिर उसके बाद में आपके आंसर्स। तो हमारे पास 3 कार्ड इधर है, पाइल ए जो है वो माइकल की है और जो पाइल बी है वो जोफियल की है, ठीक है। तो एक ये माइकल वाली पाइल और ये जोफियल वाली पाइल। आइए देखते हैं, अगर आपके एक्स 2-3 महीने पहले गए हैं, तो अगर आपने पाइल ए चूज किया है तो आपके आंसर्स क्या है। सो सॉरी, वो डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, बिकॉज वो ही इज गॉन फॉर हिज ओन डेवलपमेंट। उनको ऐसा लगा है कि वो आपके साथ, ही और शी, उनको ऐसा लगा है कि वो आपके साथ इतने आप दोनों के आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू करियर और मनी। जैसे आपका मनी का क्वेश्चन अलग है, आपके मनी के ऊपर जो विचार हैं वो अलग है, उनके विचार अलग हैं। तो अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए वो कचरे गए हैं, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। सो आप होप्स मत रखिए that this person will come out, because for this person money is playing a very important role in this relationship, the lack of it. So मुझे नहीं लगता है कि ये person जो है वापस आएंगे। तो और ये देखते हैं person B, अगर आपने ये choose किया है तो ये reading भी, ये मैं बोलूँगी कि वापस आने के बहुत strong chances हैं, लेकिन आपको उनको वापस आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको messages करने पड़ेंगे, दैट मीन्स आपको कुछ उनको टीजर्स भेजने पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसे बताना पड़ेगा उनके फ्रेंड्स को कि यू आर वेटिंग फॉर हिम। इधर प्रॉब्लम ये है कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपको है ना इतना इंटेलिजेंट नहीं समझ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आप है ना एक बुद्धू हैं, आप में वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है, और इसकी वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से वो रिलेशनशिप छोड़ के चला गया है, और इसलिए वो सोच रहा है कि मैं वापस आऊँ नहीं आऊँ, बिकॉज ये इंसान तो बदलने वाला नहीं है। तो ये आपकी मेच्योरिटी, आपको ये दिखाना है उनको कि आप पहले से डेफिनेटली मैच्योर हो चुके हो, और साथ में उनको कंपैशन भी चाहिए, एक कंपैशनेट रोल भी चाहिए। तो उनको ये चाहिए कि आप कंपैशनेट वे में उनको पसंद करें, और एज एक कभी कभी एक बोलते ना एक पॉजिटिव तारीफ कर लिया करें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, दिस इज़ व्हाट। सो यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर सेल्फ and this relationship, if you want this relationship to be successful. So I'm seeing this relationship successful, definitely, but there's a lot of hard work. I hope you enjoyed this. Thank you so much.